आदिशे की वाइफ दुआ भुट्टो, मेरा बेटा हलीम आदिशे का बेटा कामिल हलीम शेख, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कहाँ है वो इदारे? मेरे शोहर को थ्रेट मिले हुए थे, उनकी जान को खतरा है। पहले उनसे सिक्योरिटी ली गई, उसके बाद जिस तरह से डाकुओं को जैसे क्या वो डाकू है, जिस तरह से वो बड़े बड़े जो डाकू बैठे हुए, पहले उन्हें तो गिरफ्तार करो। मेरे शोहर का ये कसूर था कि वो आवाम के लिए बात करते थे, इन माफिया का चेहरा बेनकाब करते थे। मैं सारे इदारों से पूछना चाहती हूँ आप सब कहाँ हैं? मेरा बच्चा कल से उन्हें परसों से याद कर रहा है, पापा पापा कर रहा है। आप लोग को जरा सी शर्म नहीं है? आप लोग क्या चाहते हो, उनकी जुबान बंद हो जाए? मेरे शोहर को जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मेरे शोहर को अगर कुछ भी हुआ, हलीम आदिशे को कुछ भी हुआ, तो मैं इस पूरी माफिया को छोड़ूंगी नहीं। ये जरदारी माफिया, ये मुराद अली शाह, ये पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत, जिस तरह से उन्हें होटल से 3:30 बजे गिरफ्तार किया जाता है और उनको गायब कर दिया जा रहा है, कहाँ है मेरे शोहर? कहाँ है हलीम आदिशे? कहाँ है इनके वाले साहब? मैं सारे इदारों से पूछना चाहती हूँ, मैं सारे इदारों से सवाल कर रही हूँ, मैं जजेस से सवाल कर रही हूँ, मैं पूरे लॉ से सवाल कर रही हूँ, कहाँ है? मैं इस पूरी आवाम से पूछना चाहती हूँ, आप सब निकलें और इन माफियाओं से इनका मुकाबला करें और हलीम आदिशे के साथ खड़े हों। पहले उनसे सिक्योरिटी ली जाती है, फिर उनकी जान को खतरा, उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं, और अब जिस तरह से उन्हें गायब कर दिया गया है, क्या वो गुंडे थे? जो गुंडे हैं पहले आप उनको तो गिरफ्तार करो। मेरे शोहर को अगर कुछ भी हुआ, तो मैं इस माफिया को छोड़ूंगी नहीं, मैं इस पूरी इम्पोर्टेंट हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से 15-20 लोग आते हैं और उन्हें होटल से निकाल के ले जाते हैं, मेरा सवाल है सबसे, मैं पूछना चाहती हूँ वो कहाँ है, मुझे बताया जाए, मेरे बेटे को बताया जाए, हलीम आदिशे के बेटे को बताया जाए कहाँ है वो। आप उनकी जुबान बंद नहीं कर सकते, मुझे भी थ्रेट दिए थे इन माफियाओं ने, सरकारी माफिया ने, इस मुराद अली शाह ने, मेरी गाड़ी रोके, मेरे बच्चे का